इस दुनिया में कोई भी नहीं है छोटा काम, इस दुनिया में कोई भी नहीं है छोटा काम। हर काम शुरू करने से पहले करो और प्रेम से कहें जय जय श्री राम। क्या आप भी बेरोजगारी से परेशान हैं, या आप भी अपने जीवन में एम्बिशियस या महत्वाकांक्षी हैं? और यदि आप अपने जीवन में अच्छी सैलरी देने वाले जॉब को हासिल करना चाहते हैं, तो खुद ही को कर बुलंद इतना तो इंग्लिश स्पीकिंग से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना तो इंग्लिश स्पीकिंग से पहले, फिर गर्व से शीश उठाइए कि तेरा इंटरव्यू लेने वाले खुद तुझसे पूछे, बता तुझे कितनी सैलरी चाहिए। 10, 20 या 30 हज़ार की सैलरी पाने वाले जिंदगी जी तो सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में कार, आलीशान घर या 5-star, 2-star, 3-star होटलों में अपने लाइफ पार्टनर के साथ आनंद नहीं उठा सकते। तो अपने जीवन में अच्छी फैशनेबल और एंजॉयबल लाइफस्टाइल कीजिए हासिल। मेरे साथ फर्राटेदार या फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग सीखकर आप भी बनाएं अपने आप को हाई सोसाइटी में बैठने के काबिल। तो क्या आप अच्छे जॉब की तलाश में हैं, या आप अच्छे प्रोफेशन में जॉब करते हैं? क्या आप स्कूल या कॉलेज में टीचर या प्रोफेसर हैं? क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, बिजनेसमैन या हाउसवाइफ हैं और आप भी फर्राटेदार या फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं? तो अब अच्छी और फर्राटेदार इंग्लिश स्पीकिंग करना हुआ और भी आसान। अब अच्छी और फर्राटेदार इंग्लिश स्पीकिंग करना हुआ और भी आसान। हमारा 3 महीने का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने वाला फ्लुएंट इंग्लिश बोलेगा हर इंसान। यदि आप भी बनाना चाहते हैं आपकी पर्सनालिटी या आपके व्यक्तित्व को इम्प्रेसिव या प्रभावशाली, यदि आप भी बनाना चाहते हैं आपकी पर्सनालिटी या आपके व्यक्तित्व को इम्प्रेसिव और प्रभावशाली, तो दीजिए हमें आपके बहुमूल्य 3 महीने खाली। दोस्तों, अपने 3 महीने कोर्स में हम बेसिक इंग्लिश से शुरुआत करेंगे, यानी आपको वाक्य रचना कैसे करनी है यहाँ से सिखाया जाएगा। जैसे कि मैं खेलता हूँ, आई प्ले, अमित खेलता है, अमित प्लेज। यहाँ पर प्ले को एस क्यों लगाया गया है यह आपको बताया जाएगा, यह आपको सिखाया जाएगा। वो गया क्या, इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिड ही गो। दोस्तों, हम लोग दिन में 70% पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात करते हैं, जैसे कि वह आई क्या, काम किया क्या, चाय पी क्या, खाना खाया क्या, फ़ोन किया क्या, द कश्मीर फाइल्स देखी क्या, वोट किया क्या। ऐसे अनेक वाक्य हम बोलते हैं। आपको वर्ब यानि क्रिया के 3 रूप या 3 फॉर्म्स, इनका कब और कैसे इस्तेमाल करना है, यह आपको रोज वाक्य रचना करवाकर प्रैक्टिस ली जाएगी। आपको तीनों फॉर्म्स किस तरह से बातें करने में यूज़ करना है, यह आपको सिखाया जाएगा। यदि आपके मन में आए अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का ख्याल, तो 9226344873 पर अवश्य कीजिए कॉल। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं 1st, 2nd और 3rd फॉर्म कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं? 1st फॉर्म गो, यह प्रेजेंट और फ्यूचर के इनडेफिनेट यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर के सिंपल टेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाऊँगा, आई विल गो। 2nd फॉर्म सिर्फ पास्ट इनडेफिनेट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैं गया, आई वेंट। और 3rd फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वह गया है, ही हैज़ गॉन, वह गया था, ही हैड गॉन, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। तो देखा दोस्तों, वर्ब के 3 फॉर्म कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं ये हमने आपको बताया। इसकी प्रैक्टिस हम आपसे डेली करवाएंगे। आती है फ्लुएंट इंग्लिश बोलना जिन्हें, उनके होंठों पे मुस्कान है। आती है
फ्लुएंट इंग्लिश बोलना जिन्हें, उनके होंठों पे मुस्कान है। हमारे साथ अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना बहुत ही आसान है। इसके बाद दोस्तों आपसे इंग्लिश में इंट्रोगेशन किया जाएगा, यानी कि आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे, जैसे कि व्हाट इज योर गुड नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ मेनी ऑफ यू टेक द ब्रेकफास्ट, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाई इज ही योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर फेवरेट लीडर, हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन, हु इज योर फेवरेट एक्टर। इसके बाद आपके साथ रोज अलग अलग विषयों पर चैटिंग यानि गप्पे मारी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप चाय लेते हैं, डू यू टेक टी, आप चाय के साथ क्या लेते हैं, व्हाट डू यू टेक विथ टी, आपकी चाय कौन बनाता है, हु प्रिपेयर्स योर टी, आप चाय के साथ बिस्किट लेते हैं क्या, डू यू टेक बिस्किट्स विथ टी, हाउ मेनी ऑफ यू टेक द टी, आप कितने लोग चाय लेते हैं। ऐसे कई टॉपिक्स पर आपसे इंग्लिश में चर्चा की जाएगी, यानी यहाँ पर आपको हम चैटिंग की प्रैक्टिस डेली देंगे। इसके बाद आपको इम्प्रेसिव या प्रभावशाली एडवांस इंग्लिश सिखाई जाएगी, जिसे बोलने के बाद आप सामने वाले आदमी को अपनी इंग्लिश से इम्प्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बातें करता हूँ, इसे सिंपल इंग्लिश में कहते हैं आई एम टॉकिंग विद यू, और एडवांस इंग्लिश में कहते हैं आई एम एक्सचेंजिंग डायलॉग्स विद यू। उन्होंने दोहराया, इसे सिंपल इंग्लिश में कहते हैं ही रिपीटेड, एडवांस इंग्लिश में कहते हैं ही रीइटरेटेड। जिनके तर्कश में काबिलियत और योग्यता के तीर होते हैं वो सारी दुनिया को झुका सकते हैं, जिनके तर्कश में काबिलियत और योग्यता के तीर होते हैं वो सारी दुनिया को झुका सकते हैं। अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग करने वाले सोसाइटी में चांद सितारों की तरह चमकते हैं। मैं बाथरूम या टॉयलेट जा रहा हूँ, इसे सिंपल इंग्लिश में कहते हैं आई एम गोइंग टू बाथरूम या आई एम गोइंग टू टॉयलेट, लेकिन एडवांस इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू आंसर नेचर्स कॉल। मैं अपने मेहमानों को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गया था, इसे एडवांस इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट टू सी ऑफ माई गेस्ट टू द रेलवे स्टेशन। इसे मत पीना, यह चाय जूठी है, डोंट टेक दिस टी, इट इज एन ऑड टी। उसकी कार के पिछले पहिए की हवा निकल चुकी है, हिज कार्स रियर टायर इज डिफ्लेटेड। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है, नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू। वह इतनी खूबसूरत है कि मैं उस पर फिदा हो गया, शी इज सो ब्यूटिफुल डेट आई फेल फॉर हर। द पुलिस रेप्रीमांडेड द वेगा बॉन्ड, इसका मतलब है पुलिस ने आवारा लड़कों को डांटा, अमित को लड़का हुआ है। अब दोस्तों आमतौर पर तो अमित की वाइफ को लड़का होता है, लेकिन हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अमित को लड़का हुआ है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे अमित बिगॉट अ बेबी बॉय। पाकिस्तान में दंगा हो गया, द रायट ब्रोक इन पाकिस्तान। जब वह बनारसी साड़ी पहनती है और बिंदी लगाती है तब वह खूबसूरत दिखती है, शी लुक्स एंचेंटिंग व्हेन शी क्लैड्स बनारसी साड़ी एंड वेयर्स बिंदी। सचिन ने सेकेंड लास्ट बॉल पे छक्का मारा, सचिन हिट सिक्सर ऑन द पेन अल्टीमेट बॉल। यह मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, पहले आप आफ्टर यू, यह मेरी शान के खिलाफ है। कैसे कहेंगे इसे, इसे कहेंगे इट्स अगेंस्ट माई डिग्निटी। लड़का कार के नीचे आ गया, इसे कहेंगे द बॉय वॉज रन ओवर बाई कार। घड़ी दीवार पर लगी है, द क्लॉक इज अगेंस्ट द वॉल। रास्ते में कार बिगड़ गई, द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। लखनऊ जाने वाली पुष्पक ट्रेन 2 घंटे देरी से चल रही है, द लखनऊ बाउंड पुष्पक ट्रेन इज रनिंग लेट बाई 2 आवर्स। उसने उसके दूध में जहर मिला दिया, शी लेस्ड हर मिल्क विथ पॉइजन। उसे गाय ने सींग मार दी, द काउ गोर्ड हिम। XYZ मॉल में आग लग गई, द फायर ब्रोक इन XYZ मॉल। भाड़ में जाए आपका मोबाइल, डू द हेल विद योर मोबाइल। मुझे आपकी औकात पता है, आई नो वेर यू स्टैंड। रुक रुक कर वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग इंटरमिटेंटली। लाइट चली गई, देर इज पावर फेलियर। लाइट आ गई, द पावर इज रिस्टोर्ड। शेफ ने करीना को पटाया, शेफ वूड करीना। उसने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, ही डिनाइड कैटेगोरिकली। तो अब आप सोचते होंगे कि ऐसे वाक्य तो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, गूगल से, यूट्यूब से या किसी और जगह से। तो फिर आपको
हमारा क्लास करने की क्या आवश्यकता है। याद रहे दोस्तों, ऐसे वाक्यों की हम आपसे डेली रोजाना अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस लेंगे। जैसे कि आइए ऊपर दिए हुए वाक्य को ही डिनाइड कैटेगरी के लिखो, हम अलग अलग रूप से कैसे आपसे डेली प्रैक्टिस लेंगे यह आपको मैं बता दूं। हु डिनाइड कैटेगरी के लिए, किसने स्पष्ट रूप से इनकार किया या उसने स्पष्ट रूप से इनकार क्यों किया, वाई डिड ही डिनाई कैटेगरी के लिए, उसने स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए क्या कहा, वॉट डिड ही से एंड डिनाई कैटेगरी के लिए। तो इस प्रकार आपको जो एडवांस इंग्लिश के वाक्य दिए जाएंगे उनकी रोजाना अलग अलग वाक्यों में प्रैक्टिस ली जाएगी, ताकि एडवांस इंग्लिश आपके जहन में बैठ जाए और आपको आसानी से बोलना आ जाए। इसके बाद दोस्तों, आप जो टीवी सीरियल्स या मूवीज देखते हैं उसकी स्टोरी आपसे अंग्रेजी में बुलवाई जाएगी। अब आप बताएंगे हमें कि वह बेटी क्या कन्यादान करती है, उसे इंग्लिश में कहेंगे शी बिस्टोज द गर्ल, दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर लगाता है, द ब्राइड ग्रूम फिल्स द पार्टिंग ऑफ हेयर ऑफ ब्राइड बाय वर्मिलियन। यहाँ पर मांग को पार्टिंग ऑफ हेयर कहते हैं, सिंदूर को वर्मिलियन कहते हैं। तो जब आप स्टोरी नरेट करते हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। यहाँ पर आपको हर वाक्य इंग्लिश में कैसे बोलना है वह सिखाया जाएगा। जैसे कि दया जेठालाल को इशारे से बुलाती है, जया कॉल्स जेठालाल बाय जेस्चर। इस प्रकार आपको पूरी स्टोरी इंग्लिश में बोलना सिखाया जाएगा। जब आप किसी टीवी सीरियल या मूवी की स्टोरी पूरी इंग्लिश में बोलना सीख लेते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाता है, या यूं कहें इंग्लिश में कि इंग्लिश स्पीकिंग बिकम्स इजी पीजी फॉर यू। मेरे पैरों में झुनझुनी हो रही है, देयर इज टिंगलिंग नमनेस इन माय लेग, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैड गूज बम्प्स। अपनी कामयाबी की दास्तान अपने इन्हीं हाथों से लिखें, अपनी कामयाबी की दास्तान अपने इन्हीं हाथों से लिखें। आप भी मेरे साथ आकर्षक व अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखें। अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग करने से चमकती है आपकी पर्सनालिटी, बनती है आपकी अलग पहचान। क्या आप एडवांस इंग्लिश में बोलकर अपने दोस्तों के बीच अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप एडवांस इंग्लिश में बोलकर अपने दोस्तों के बीच अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हैं? इसके बाद दोस्तों, आपको शेड्यूल नरेशन सिखाया जाएगा। यहाँ पर आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसे आपको पूरी इंग्लिश में हमें बतानी है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम कपड़े धोते हैं तो हम सबसे पहले बाल्टी को नल के नीचे रखते हैं, आई प्लेस द बकेट अंडर द टैप। उसके बाद मैं नल चालू करता हूँ, आई टर्न द टैप ऑन। फिर मैं अपनी ज़रूरत के अनुसार बाल्टी में पानी भरता हूँ, आई फिल द बकेट टू माई नीड। उसके बाद मैं उस बाल्टी में डिटर्जेंट पाउडर मिलाता हूँ, अपने हाथों से उसे घोलता हूँ, आई एड सम डिटर्जेंट पाउडर इन द बकेट एंड आई स्टर इट बाय माई हैंड। फिर मैं उसमें अपने कपड़ों को भिगो देता हूँ, देन आई सोक द क्लोथ्स इन द बकेट। मैं खाना बनाने से पहले चावल या दाल चुनता हूँ, आई विनो द राइस और पल्स बिफोर कुकिंग। इस तरीके से आप दिन में जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसे पूरी एक्टिविटीज़ को आपसे डेली शेड्यूल नरेशन में बुलवाया जाएगा, आपको पूरी एक्टिविटीज़ सिखाई जाएंगी। वैसे डेली शेड्यूल नरेशन में दोस्तों बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी आती है जो बहुत ही छोटी छोटी रहती है, लेकिन हमें वह एक्टिविटीज़ बोलना नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बिस्तर बिछाता हूँ, आई मेक द बेड। मैं ओढ़ने वाली चादर को घड़ी मारता हूँ, आई फोल्ड माई टॉप सीट। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को इंग्लिश में हम कैसे बताएंगे यह आपको शेड्यूल नरेशन में सिखाया जाता है। इसके बाद दोस्तों, हम आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, मिड डे या इंग्लिश पेपर कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है सिखाया जाएगा। हम आपको छोटे छोटे टॉपिक्स देंगे जिन्हें हम टाइम्स ऑफ इंडिया, मिड डे या किसी और इंग्लिश पेपर से हमने लिया है, उस टॉपिक्स को आपको समझना है। उस टॉपिक्स पर आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे और फिर बाद में आपको जितना वह टॉपिक समझा है आपको वह टॉपिक हमें इंग्लिश में सुनाना है, या इंग्लिश में आपको हमें वह पूरा टॉपिक्स नरेट करके सुनाना है। यहाँ पर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, मिड डे पेपर कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, और जो आपने पढ़ा है उसे लोगों को इंग्लिश में कैसे समझाना है यह आपको प्रैक्टिस में सिखाया जाएगा। दोस्तों,
जब कोई व्यक्ति हमारे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया या मिड डे पेपर या कोई इंग्लिश पेपर पढ़ता है तो उस व्यक्ति का प्रभाव हम पर ज़रूर पड़ता है। उसी तरह से आपको भी टाइम्स ऑफ इंडिया या मिड डे पेपर या कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़कर समझना है यह आपको सिखाया जाएगा। हियर यू विल बी एबल टू इंटरप्रीट एंड नरेट ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया वॉट एवर यू हैव रेड एंड हियर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज यूज्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद दोस्तों रोज आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताए जाएंगे, जैसे कि लैपटॉप का आविष्कार या लैपटॉप का इन्वेंशन कब और किसने किया था, क्या आप जानते हैं ATM का फुल फॉर्म क्या है, हम बैंकों में हमारे कर्ज की जो किस्त भरते हैं उसे EMI कहते हैं, क्या आप जानते हैं EMI का फुल फॉर्म क्या है, क्या आप जानते हैं फ़ोन का इन्वेंशन कब और किसने किया था। इस तरीके से आपको जनरल नॉलेज की भी आइडिया दी जाएगी, प्लस उन्हें डेली आपसे पूछा जाएगा ताकि जनरल नॉलेज के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी जानकारियाँ, अमेजिंग फैक्ट्स जो कि आश्चर्यचकित सत्य हैं, अद्भुत सत्य हैं, उनसे भी आपको वाकिफ कराया जाएगा, आपको रूबरू कराया जाएगा और उनकी प्रैक्टिस आपसे इंग्लिश में ली जाएगी। ऑल द ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन इंटेंडिंग टू लर्न टू स्पीक इम्प्रेसिव एंड फ्लुएंट इंग्लिश इंटेंडिंग टू लर्न टू स्पीक इम्प्रेसिव एंड फ्लुएंट इंग्लिश कॉल मी ओवर 9226344873। थैंक यू।